हे सज्जन प्रभु, सदा तेनों ही सलाहना चाहिदा है, सदा तेरी ही सिफत सलाह करनी चाहिदी है। इस संसार समुद्र विचों पार लंघन वास्ते तेरी सिफत सलाह जीवा वास्ते जहाज है। इस जहाज तो बिना भौ सागर विच डुब जाइदा है। कोई भी जीव समुद्र दा पारला कंडा लभ नहीं सकता। रहाओ जिन्हां बंदिया ने सतगुरु का पल्ला फड़िया है, हे सज्जन, उन्हां दे संगी साथी भी पार लंघ जांदे हन। जिन्हां दी जीव परमात्मा दा नाम अमृत चखदी है, उन्हां दे जीवन सफर विच विकार आदिकां दी रुकावट नहीं पैंदी। हे सज्जन, जिहड़े मनुख परमात्मा दे डर अदब तों सखणे रहिंदे हन, उह विकारां दे भार नाल लद्दे जांदे हन ते संसार समुंदर विच डुब जांदे हन। पर जदों परमात्मा मेहर दी निगाह करता है तां उन्हां नूं भी पार लंघा लैंदा है। हे सज्जन, सलाहना योग परमात्मा दी सिफत सलाह करनी चाहीदी है। उस वर्गा होर कोई नहीं है। जिहड़े बंदे प्यारे प्रभु दी सिफत सलाह करदे हन, ओह भागां वाले हन। गुरु दे शब्द विच डूंघी लगन रखण वाले बंदे नूं परमात्मा दा प्रेम रंग चढ़दा है। अजिहे बंदे दी संगत जे किसे नूं प्राप्त हो जाए तां ओह हरि नाम दा रस लैंदा है ते नाम दुद्ध नूं रिड़क के ओह जगत मूल प्रभु नूं मिल पैंदा है। हे भाई, सदा थिर रहन वाले प्रभु दा नाम प्रभु पति नूं मिलण वास्ते इस जीवन सफर विच राहदारी है। यह नाम सदा थिर रहन वाली मोहर है। प्रभु दा यही हुक्म है कि जगत विच जो भी आया है उसने प्रभु नूं मिलण वास्ते यह नाम रूप राहदारी लिखा के अपने नाल लै जानी है। हे भाई, प्रभु दे इस हुक्म नूं समझ, पर इस हुक्म नूं समझण लई गुरु दी शरण पैना पएगा। गुरु तो बिना प्रभु दा हुक्म समझा नहीं जा सकता। हे भाई, जिहड़ा मनुख गुरु दी शरण पै के समझ लैंदा है, विकारां दा टाकरा करन लई उसनूं सदा थिर प्रभु दा सदा थिर बल हासिल हो जांदा है। हे भाई, जी परमात्मा दे हुक्म अनुसार पहलां माता दे गर्भ विच टिकदा है ते मां दे पेट विच 10 महीने निवास रखदा है। पुट्ठा सिर पार रह के प्रभु दे हुक्म अनुसार ही फिर जन्म लैंदा है। किसी खास जीवन मनोरथ वास्ते जीव जगत विच आउंदा है। जो जीव गुरु दी शरण पै के जीवन मनोरथ नूं सवार के इत्थों जांदा है, वह परमात्मा दी हजूरी विच आदर पांदा है। यह सज्जन परमात्मा दी रजा अनुसार ही जीव जगत विच आउंदा है, रजा अनुसार ही इत्थों चला जांदा है। जिहड़ा मनुख अपने मन दे पिछे तुरदा है ते माया दे मोह विच फस जांदा है, उसनूं प्रभु दी रजा अनुसार ही बन के भाव जोरों जोरी इत्थों तोरिया जांदा है, क्योंकि मोह दे कारण ओह इस माया नूं छड्डना नहीं चाहुंदा। परमात्मा दी रजा अनुसार ही जिसने गुरु दे शब्दी राहीं जन्म मनोरथ नूं पछाण लिया है, ओह परमात्मा दी हजूरी विच आदर नाल जांदा है। हे भाई, परमात्मा दी रजा अनुसार ही किते माया दी सोच सोची जा रही है। प्रभु दी रजा विच ही किते हौमे है, किते द्वैत है। प्रभु दी रजा अनुसार ही किते कोई माया दी खातर भटक रहा है, किते कोई जन्म मरण दे गेड़ विच पाया जा रहा है, किते पाप दी ठगी हुई लुकाई अपने दुख रो रही है। जिस मनुख नूं शाह प्रभु दी रजा दी समझ आ जांदी है, उसनू सदा थिर रहन वाला प्रभु मिल पैंदा है, उसकी लोक परलोक विच वड्याई हुंदी है। हे भाई, जगत विच माया दा प्रभाव इतना है कि परमात्मा दा सदा थिर रहन वाला नाम सिमरना बड़ा कठिन हो रहा है। ना ही प्रभु दा नाम सुनिया जा रहा है। माया दे प्रभाव हेठ जीव नाम नहीं सिमरदे, नाम नहीं सुनते। हे भाई, मैं उन्हां बंदियां तों कुर्बान जांदा हाँ जिन्हां ने प्रभु दी सिफत सलाह कीती है। मेरी यही अरदास है कि उन्हां दी संगत विच मैनू भी नाम मिले ते मेरा जीवन संतोखी हो जाए। मेहर दी नज़र वाले प्रभु दे चरणां विच मैं जुड़िया रहा। हे भाई,
ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਲਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਓਂਕਾਰਦੇ ਚਲੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਓਂਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।